नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। अब दोस्तों, रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे कि जो कुछ चेंजेस की यहाँ पर बात करी जा रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ में आने वाले टाइम में हम लोगों को और क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, और ट्रेन 20 का प्लॉट यहाँ पर अभी भी इंडियन रेलवेज़ के पेपर्स पर है या फिर नहीं है। अब दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पर हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें अनवील करी हैं। इसमें से एक चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के कोचेस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि करंट सिचुएशन में अगर हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर एल्यूमिनियम के कोचेस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम लोगों को कुछ फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा? तो भाई देखो, सिंपल सादा सवाल यहाँ पर ये है कि कोई भी फ़ायदा अभी हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आप ऐसा बोल रहे होंगे, भाई तू बड़ा पागल आदमी यार, कुछ तो भी बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से। अब देखिए दोस्तों, करेंटली क्या है ना, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो आ रही है स्टेनलेस स्टील और आयरन के कोचेस के साथ में, और इसकी मदद से करेंटली हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका वेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम की ट्रेन्स। और एल्यूमिनियम की ट्रेन्स जो रहती हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हल्की रहती हैं, और जिसकी वजह से इनके अंदर जो कर्व्स वगैरह रहते हैं, इसके अंदर टिल्टिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है, जहाँ पर ये कर्व्स वगैरह जो रहते हैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से अपनी जो स्पीड है उसको मेनटेन कर पाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा जो आप बोल सकते हैं स्पीड रहती है ट्रेन्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हमारी जो स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन की ट्रेन रहती है उसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर उसके बावजूद यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अभी अगर हम लोग इस चीज़ को लेके आते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों, एज ऑफ नाउ हम लोग जानते हैं कि करंटली जो प्रोटोटाइप इंडियन रेलवेज़ के अंदर ऑपरेट किए जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के, इन्होंने इसके ट्रायल्स के टाइम पे 160 kmph काफ़ी ज़्यादा ईजिली क्लॉक कर लिया था, और अब आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रोटोटाइप रहेगा, जो कि एल्यूमिनियम के कोचेस के साथ में आएगा, वो 200 kmph की स्पीड को आराम से क्लॉक कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ का सवाल आप लोग मुझको, एक चीज़ का जवाब आप लोग मुझको दीजिए कि क्या अभी हमारे पास में ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पर हम लोग 200 kmph की ट्रेन चला सकें? तो एज ऑफ नाउ अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो फीडबैक है वो निकल कर आएगा। इंस्टेड ऑफ इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसा लगाने के, अगर करंटली अगर हम लोग हमारे ट्रैक्स के ऊपर पैसा लगाएं तो वो एक बहुत अच्छा आउटपुट देगा हमारे देश को आगे जाकर। हालांकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, आगे जाकर कभी ना कभी तो हमारे ट्रैक्स अपग्रेड किए जाएंगे और तब हम लोग हमारी वंदे भारत को 200 kmph की स्पीड पर चला सकते हैं, बट करंटली क्या इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा? तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि करंटली भी इंडियन रेलवेज़ के पास में जो तेजस एक्सप्रेस के कोचेस हैं वो 200 kmph की स्पीड के ऊपर चल सकते हैं। हमारे पास में लोकोमोटिव भी है ऐसा जो 200 kmph की स्पीड के ऊपर चल सकता है, जिसका नाम वेब 5 है। तो अगर हम लोग इनके कॉम्बिनेशन के साथ में कोई ट्रेन चलाते हैं तो हमारे पास में 200 kmph की स्पीड के ऊपर चलने वाली ट्रेन्स हैं, लेकिन हमारे पास में ट्रैक्स ही नहीं है, इसलिए हमारे देश में आज भी जो ट्रेन्स हैं ये 130 और मैक्सिमम 160 तक जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, एल्यूमिनियम की ट्रेन्स आने का ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एल्यूमिनियम की अगर ट्रेन आती है, वंदे भारत आती है, तो इसके भी अपने आप में काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी जो ट्रेन रहेगी वो लाइट वेट रहेगी, और लाइट वेट रहने के साथ में ही ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, लाइट वेट होने के साथ में स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। इसके अंदर हम लोग टिल्टिंग टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कर्व वगैरह पर अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन कर सकती है। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग देखें तो 160 kmph वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है, और लॉन्ग रूट के ऊपर भी यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा हिंट दिया है कि ट्रेन 20 जो है ये अभी तक वैनिश नहीं करी गई है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं इनको डायरेक्ट किया है कि भाई हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन है, इसके प्रोटोटाइप के ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि हम लोग हमारे लॉन्ग रूट के ऊपर भी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स को रिप्लेस करके हमारी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन रहेगा इसको चला सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे जाकर इसका किस तरह से प्रोग्रेस रहता है। अगर रेल मंत्री ने कहा है तो आगे जाकर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो होगा ही सही। आने वाले टाइम में जो भी इसको लेकर पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आती हैं आप सभी लोगों को चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी एक्स्ट्रा और पैसा लगाने की बजाय ये पैसा हम लोग ट्रैक्स के ऊपर लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काम नहीं कर रही है, लेकिन जहाँ पर भी काम हो रहा है वो 160 kmph के ऊपर हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा वाला सेक्शन जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, आसपास फेंसिंग लगाई जा रही है, लेकिन ये सेक्शन जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है?
इसकी मैक्सिमम स्पीड भी 160 की एमपीएच की रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक विजन थोड़ा और बड़ा लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडियन रेलवे ये सोच के चल रही है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को बुलेट ट्रेन तो लॉन्च करना ही है, इसीलिए अभी हम लोग 160-180 तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं इन ट्रेन्स को, बाकी हमारी बुलेट ट्रेन जो है वो तो 300-350 चलेगी ही सही। एक ये विजन भी हो सकता है, तो अगर इस विजन के हिसाब से चल रहे हैं तो वो भी ठीक है। आप लोगों का क्या सोचना है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर से बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ। मैं चैनल पर पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।